ब्रेक के बाद स्वागत है। मथुरा के वृंदावन क्षेत्र स्थित उत्तर भारत के प्राचीन रंगनाथ मंदिर में उस समय हड़कंप मच गया जब दर्शन के लिए बाहर से आए हुए श्रद्धालु और वृंदावन के रहने वाले वृद्ध भिखारी पर एक जर्जर लोहे का गेट गिर गया, जिसमें दर्शनार्थ करने आए हुए श्रद्धालु चोटिल हो गए। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि रंगनाथ मंदिर का मुख्य गेट काफी दिनों से जर्जर था, जिसकी ओर से मंदिर प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं था। वहीं मिली जानकारी के अनुसार टुंडला से वृंदावन मंदिरों के दर्शन करने के लिए एक परिवार आया हुआ था, जिसमें से 3 लोग घायल हो गए। वहीं एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है। जब मंदिर प्रशासन से इस संबंध में जानकारी का प्रयास किया गया तो मंदिर प्रशासन मामले पर चुप्पी साधे हुए थे और मामले को रफा दफा करने में लगा हुआ है। ऐसा ही हो गया कि गेट था, बहुत समय से जर्जर स्थिति में था, मंदिर वालों का ध्यान नहीं था गेट की तरफ। ध्यान होता तो ये हादसा नहीं होता। उसकी वो ऊपर से लोहा जो उसमें घुसा हुआ है वो टूट गया और वो गेट गिर गया। यहाँ 3 यात्री लोग खड़े थे, एक माँ और उसकी 2 बेटी और एक मांगने वाला भिखारी। तो चारों लोग उस गेट के नीचे आ गए। अगर यहाँ विप्र समाज नहीं होता तो शायद एक लोग क्षति ज़्यादा पहुँच जाती और एक आध मर जाता।